नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना का पीरबहोर थाना इलाका गोलियों और बमों की थरथराहट से कहीं ना कहीं गूंज उठा है। दरअसल बात करें हम तो पटना यूनिवर्सिटी के दो छात्र गुटों में भारी झड़प हुई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं नदवी छात्रावास पर असामाजिक तत्वों द्वारा गोलियों और बमों की बौछार की गई। आप साफ तौर पर नज़ारा देख सकते हैं, ये मौलाना अबुल हसन अली नदवी अल्पसंख्यक छात्रावास है जहाँ पर असामाजिक तत्व यहाँ पहुँचते हैं और छात्रों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों और बमों की बौछार करते हैं। आप साफ तौर पर नज़ारा देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर असामाजिक तत्वों द्वारा गोलियों की बौछार की गई है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं दीवारों में कई निशान लगे हुए हैं जिसमें कि गोलियों के निशान बताए जा रहे हैं। और वहीं बात करें तो कहीं ना कहीं ईंट और पत्थर से भी उन पर हमला किया गया है। हालाँकि बताया जा रहा है, छात्रों का कहना है कि उस वक्त सुबह का समय था जिस समय वो सोए हुए थे। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कांच के टुकड़े जो हैं वो बिखरे पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग जो असामाजिक तत्व है वो छात्रों के ऊपर पत्थरों और ईंटों से प्रहार किए हैं। वहीं अगर बात करें तो असामाजिक छात्रों द्वारा बमों और गोलियों का भी प्रयोग किया गया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं पूरा कैंपस जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील हुआ है और यहाँ पे पुलिस की भारी बंदोबस्ती की गई है। लगभग 3 थानों की पुलिस यहां पर मौजूद है। पीरबहोर की बात करें, कदम कुआं की बात करें या फिर गांधी मैदान पुलिस की बात करें तो यहां पर पहुंचकर स्थिति को संभालने में जुटी है। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पार की हुई गाड़ियों को भी कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों द्वारा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और वहीं अभी जो तस्वीरें दिखाएंगे वो साफ तौर पर इस पूरे मामले की गवाही दे रही है कि किस तरह से यहाँ पर असामाजिक तत्वों द्वारा गोलियों की बौछार की गई है। ये वही खोखा है जिसको कि असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पे चलाया गया है। वहीं बमों के वो निशान भी यहाँ पे मौजूद है जो कि असामाजिक तत्वों द्वारा चलाए गए हैं। ये जो रस्सियाँ हैं वो कहीं ना कहीं सुतली बम का ये रस्सी है जिसको कि असामाजिक तत्व लेके आए थे और यहाँ पे उसका प्रयोग किए हैं। इस पूरे विवाद की अगर बात करें तो बीते दिनों दो छात्र गुटों के बीच विवाद हुआ था जिसके बाद वो असामाजिक तत्व इस पूरे घटना को अंजाम देने के फिराक में जुटे हुए थे। और आज तड़के सुबह सोमवार की तड़के सुबह पटना विश्वविद्यालय का ये पटना कॉलेज का ये परिसर है जहां पे नदवी हॉस्टल पर अचानक गोलियों और बमों की बौछार की गई और छात्रों में कहीं ना कहीं दहशत व्याप्त हो गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात पटना पुलिस कर रही है और उन असामाजिक तत्वों को भी खोजने का प्रयास जारी है। और इसी कड़ी की बात करें तो लगातार पटना यूनिवर्सिटी का ये कैंपस जो है वो विवादों में रहता है और छात्रावासों को खाली कराने के भी बीते दिनों आदेश दिए गए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं वैसे छात्र जिनको ये हॉस्टल मुहैया हुआ है वही छात्र पढ़ने के लिए यहाँ पे रहते हैं। बावजूद इसके देखा जाए तो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व जो हैं लगातार छात्रों को की पढ़ाई को बाधा डालते हैं और वहीं उन पर अपनी नकेल कसने के लिए बमों और गोलियों की बौछार भी करते नजर आते हैं। पूरा मामला अभी तो जा पुलिस को हम लोगों ने सूचना दी। हम लोग यहाँ से हॉस्टल सुपरिटेंडेंट और एक ग्रामीण अरे एक स्थानीय लोग ने फ़ोन किया कि नदवी हॉस्टल पे बम चल रहा है, गोली चल रही है। हम लोग का ऑफिस आवर था, हम लोग तैयारी अपने आवास से निकल रहे थे तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और फिर बहुत पुलिस यहाँ 10 मिनट के अंदर आकर के और ये लोग देखे, सब लोग स्थल पर नमूना वगैरह भी देखी है। और इससे है कि दर्जनों बम के निशान हैं, गोलियों के निशान हैं और जो छात्र जो अध्ययन करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा नहीं माना जा सकता है। और इसमें हम लोग अग्रतर कार्रवाई के लिए यूनिवर्सिटी के तरफ से DM को जाएगा और हम खुद भी अपने तरफ से DM को लिख रहे हैं और इस पर जाँच भी कराया जाए और इन लोग को अस्थायी सुरक्षा का इंतजाम भी कराया जाए क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर के पास ही है, कोई दूर दराज नहीं है। ऐसे जगह पर हमला होना काफ़ी चिंताजनक। सर, इसके पहले भी हॉस्टल के छात्रों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया, इसकी अभी हमें सूचना नहीं है और ये तो जांच का विषय है क्योंकि पहले बोलना सही नहीं है। इसके पहले भी विवाद हुआ था क्या कुछ ऐसा जानकारी? इसके पहले तो आप जान ही रहे हैं कि हॉस्टल को बंद कराया गया था प्रशासन के द्वारा, है ना। लेकिन क्या क्या फाइंडिंग्स आया ये तो पुलिस ही बता पाएगी। सर, अभी आप यहाँ आए तो क्या क्या देखा आपने? हमने देखा कि खोखा पड़ा हुआ है दरवाजे पर, जो बम प्रयोग किया गया है उसका मलबा सब पड़ा हुआ है, हमारा शीशा सब टूटा हुआ है। ये तो बिल्कुल भयावह स्थिति है। सर, इस घटना में कोई घायल भी हुआ है क्या? नहीं, अभी सूचना नहीं है। और हम बात दूरभाष पर भी संपर्क कर रहे थे, बोले ये लोग जल्दबाजी में गेट किसी तरह से बंद कर लिए
यही सुरक्षा की बात। सर अपना परिचय बता दें। मैं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी हूँ, निरंजन मेरा नाम हुआ। ठीक।